वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए DHS का ग्रेड 3 टेक्निकल जो 29 May 2022 पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। सो आप लोग ट्राई कीजिए किसका कितना करेक्ट होता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मॉक टेस्ट के हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। सो आज भी मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा आंसर, और आप लोग वीडियो को पॉज करके कहीं पे आंसर लिख सकते हैं। और एट द एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसका कितना करेक्ट होता है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं गूगल मीट पे रेगुलरली डेली एट द नाइट 10 बजे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। सो उस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। फिर से बोल रहा हूँ, 9101467653। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं गूगल मीट का वो लिंक दे दूंगा और आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं 10 बजे से। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ एन आर्कटिक टर्न? आर्कटिक टर्न क्या चीज़ है? ऑप्शन ए एन आइलैंड इन द आर्कटिक ओशन, ऑप्शन बी द नेम ऑफ ए ग्लेशियर, ऑप्शन सी ए माइग्रेटरी बर्ड, ऑप्शन डी ए प्लेटू इन अंटार्कटिका। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए माइग्रेटरी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट आबू इज लोकेटेड। माउंट आबू का लोकेशन कहाँ पे है? इन हिमालयस, ऑप्शन बी द कराकुरम, ऑप्शन सी द नीलगिरिस, ऑप्शन डी द अरावल्लीस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द अरावल्लीस। ध्यान रखना, अरावल्लीस पे माउंट आबू लोकेटेड है। अरावल्ली का हाईएस्ट पीक माउंट आबू है, ध्यान रखना। और माउंट आबू पे एक जैन टेम्पल है, उसका नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान? सो ये मैंने मेरे ऑफलाइन क्लास, बहुत ऑनलाइन क्लास सब में बोला कि कंट्री का कैपिटल आप लोग देख लीजिए या करेंसी देख लीजिए। सो ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी ताइपे, ऑप्शन सी प्यांगंग, ऑप्शन डी बेजिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ताइपे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत? कुवैत का करेंसी कौन सा चीज़ है? रुपया, दिनार, अफगानी, डॉलर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, रुकिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? वाराणसी कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी पाताल गंगा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। सो कौन सा करेक्ट होगा? कोसी, पाताल गंगा, गंगा, यमुना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज पिंक सिटी? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी श्रीनगर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर, ध्यान रखना, जयपुर राजस्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वाटरवेज कनेक्ट द अंडमान सी एंड द साउथ चाइना सी? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कौन सा वाटर बॉडी कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऑप्शन बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑप्शन सी स्ट्रेट ऑफ बाबालय मंडप, ऑप्शन डी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हुई इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी लुइस कैरोल, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी, ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच इज द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी किस कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ व्हिच रिलीजियन? अवेस्ता होली बुक है कौन से रिलीजन का? ऑप्शन ए ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी सिखिज्म, ऑप्शन डी जैनिज्म। सो इसका राइट आंसर है ज़ोरास्ट्रियनिज्म, यह ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन है, ध्यान रखना। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, सो आप लोग अच्छे से इसका स्पेलिंग देख लेना, ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ द बुक? ऑप्शन ए जोनाथन स्टील, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी जे एम
क्वेट्जी, ऑप्शन डी जे के रावलिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जे के रावलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए उदय, ऑप्शन बी कौटिल्ला, ऑप्शन सी बनावट, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्ला। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस। आप लोग नाम बताइए फर्स्ट ह्यूमन जो पैदल चले स्पेस पे। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी माइकल कोलिंस, ऑप्शन सी यूरी गगारिन, ऑप्शन डी अलेक्सी लियोनोव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अलेक्सी लियोनोव। क्वेश्चन नंबर 15, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्रांड स्लोगन ऑफ विच कंपनी। टेस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए नेस्ले, ऑप्शन बी कैडबरी, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी डाबर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमूल। सो अमूल में जो एड आता है उसमें क्या आता है? उसका स्लोगन अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर रिप्रेजेंट आसाम इन द इंडियन पार्लियामेंट। सो आसाम से कितने लोकसभा मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट पे? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी बर्न। सॉरी, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेनेवा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अल्तमाश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गियासुद्दीन बलबन। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए सन ऑफ एम्परर बाबर। बाबर के सन कौन थे? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जाफर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हुमायूं। हुमायूं के सन अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 20, जालियान वालाबाग मैसाकार टू प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जालियान वालाबाग मैसाकार कौन से सिटी पे ओकर हुआ था? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी चंडीगढ़। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमृतसर, ध्यान रखना इन 1919। सो इसमें जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था गोली चला के। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, टाइफाइड फीवर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर किस चीज़ से होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, Which among the following disease is not spread by the mosquito? नीचे दिया गया कौन सा disease spread नहीं होता है mosquito से? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी कलाजर, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कलाजर। ध्यान रखना कलाजर सेंटफ्लाई से मतलब स्प्रेड होता है और बाकी तीनों mosquito से स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, डिफिशेंसी इन आयरन कॉज। आयरन के कॉज के कारण कौन सा डिफिशेंसी होता है, कमी होता है कौन से चीज़ का? बेरीबेरी, स्कार्बी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनीमिया यानी खून की कमी आना। क्वेश्चन नंबर 25, डेफिशिएंसी इन विच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज इन मेलिटस। कौन से हार्मोन के मतलब अभाव से डायबिटीज होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालाइन, ऑप्शन सी ग्लूकोजन, ऑप्शन डी पोलेक्टिन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। नीचे दिया गया कौन सा एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए फेनाइल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी यस्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन। सो आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, आप सबको पता होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। सो इसको पावर हाउस कहते हैं। सो इसका लोकेशन कहाँ पे है सेल के? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 28,
द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पुल, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी वर्क। ध्यान से क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी थोड़ा सा मतलब नीचे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम, सो ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी साउंड वेव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी एक्सरे। सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दूंगा, आप लोग आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 30, डेफिशिएंसी इन विटामिन ए कॉज, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या चीज़ होता है, ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा करेक्ट होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस। सो ये मतलब एकदम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। सो बाकी जो कैटरेक्ट मायोपिया ये भी मतलब ये भी आइस का प्रॉब्लम है, एक रोग है कह सकते हैं, डिजीज है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थैंक यू।